वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी गुरुजी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब दोस्तों आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, यानी व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण क्या होता है। इतनी सारी चीज़ों के बारे में अपन इस एक सूत्र के अंतर्गत ही समझ आएंगे। सब इस सूत्र का सूत्र क्या है देखो अपना, स्पर्श करो उष्मा देती है, अंत करो जुड़ जाती है, उच्चारण करो चाहे प्रयत्न करो श्वास उच्च कंपन के साथ लेती है। यानी स्पर्श करो उष्मा देती है, अंत करो जुड़ जाती है, उच्चारण करो चाहे प्रयत्न करो श्वास उच्च कंपन के साथ लेती है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्यंजन की परिभाषा, यानी जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण है स्वरों की सहायता से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क में ए स्वर मिला हुआ है तो इसीलिए क्या होता है, क बनता है। तो इससे इसका कहने का मतलब यह है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श करो उष्मा देती है, सूत्र के आधार पर चलते हैं। स्पर्श करो उष्मा देती है, स्पर्श का मतलब होता है स्पर्शी व्यंजन, यानी स्पर्शी व्यंजन कितने कौन कौन से होते हैं, कैसे लेकर के मै तक के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उष्मा देती है यानी उष्म व्यंजन, यानी स स स और है ये क्या कहलाते हैं, उष्म व्यंजन कहलाते हैं, यानी स स स और है उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अंत करो जुड़ जाती है, अंत का मतलब यहाँ किससे होता है, अंतस्थ व्यंजन, यानी य र ल व ये चार वर्ण है वो अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। तो अंत करो जुड़ जाती है यानी जुड़ना, यानी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत अक्षय त्रय ज्ञ और सरय ये चार वर्ण किसमें आते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अक्षय किन किन व्यंजन वर्णों से मिलकर के बना, क और स से मिलकर के बना, तीसरे से और नहीं दूसरे से सॉरी क और दूसरे स से मिलकर के बना अक्षय, और त्रय तय और र से मिलकर के बना, ज्ञ ज और ये से मिलकर के बना, स्र स और र से। अधिकतर परीक्षाओं में इनमें से एक या कई बार तो अधिकतर परीक्षाओं में इनमें से एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है, तो इनको याद करने का आसान सा तरीका अक्षय त्रय ज्ञ और सरय ये चार वर्ण, यानी जो अंतिम वर्ण होते हैं, यानी कख है गढ़ के जो अंतिम वर्ण होते हैं चार वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अक्षय त्रय ज्ञ और सरय। तो अक्षय क और स से मिलकर के बनाए, त्रय तय और र से मिलकर के बनाए, तो ज्ञ ज और य से मिलकर के बनाए, स्रय स और र से मिलकर के बनाए। अब आते हैं उच्चारण करो चाहे प्रयत्न करो, तो उच्चारण करो यानी उच्चारण के आधार पर अधिकतर परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा व्यंजन वर्ण या कौन सा स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा होता है ये पूछा जाता है। तो ये इन सूत्रों के माध्यम से अपन क्या याद कर लेते हैं, इनके उच्चारण स्थान हमारा याद हो जाता है। तो जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं अकुव विसर्जन या नाम कंठ है, यानी ए और आ और कैवरग और है, यानी अकु है यानी ए का मतलब यहाँ ए और आ से है, तो कु का मतलब यहाँ कैवरग से है का मतलब यहाँ है से है, यानी ए आ कैवरग और है किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। इसी प्रकार ये चु यसा नाम तालु, ईचू ई का मतलब यहाँ ई छोटी और बड़ी ई से है, चू चय का चू का मतलब यहाँ चैवरक से है, और ये का मतलब यहाँ ये से है, स का मतलब यहाँ पहले स से है। तो ये सारे किससे बोले जाते हैं जी, तालु से बोले जाते हैं। इसी प्रकार की टू रसा नाम मुर्दा, री का मतलब यहाँ री से है, टू टू का मतलब यहाँ टैवरक से है, र का मतलब यहाँ र से है, तो स तीसरे का दूसरे का मतलब यहाँ दूसरे सह से है। ये किससे बोले जाते हैं जी, मुर्दा से बोले जाते हैं। इसी प्रकार लृतु लसा नाम दंता, लरी लरी का मतलब यहाँ लरी से है, तू का मतलब यहाँ तैवरक से है, लय का मतलब यहाँ लय से है, सह का मतलब तीसरे का यहाँ तीसरे सह से है। तो ये सब किससे बोले जाते हैं, दांतों से बोले जाते हैं। उप पद्मानियो नामो उष्टो, यानी ऊ का मतलब यहाँ छोटे ऊ और बड़े ऊ से है, पै का मतलब यहाँ पैवरक से है, ये किससे बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं। फिर यणमना नाम नासिका, यानी अड़ैण अड़ैणमना नाम नासिका, यानी जो पंचम अक्षर होते हैं कच टहत पै के जो पंचम अक्षर होते हैं, यानी अड़ है न है मैं है अण है ये है, ये किसे बोले जाते हैं जी, नाक से बोले जाते हैं। ए दई तो कंठ तालु, यानी ए दई तो कंठ तालु, यानी ए और ऐ, यानी ए का मतलब यहाँ किससे है, ए और ऐ से है, यानी ए और ऐ किससे बोले जाते हैं, कंठ तालु यानी कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। ओ दऊ तो कंठोष्टम, यानी ओ का मतलब यहाँ ओ और औ से है, दोनों ओ और औ दोनों कंठ किससे बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। व
वकारस्य दंतोष्टम, यानी वकारस्य में जो व है उसका मतलब वैसे है, वह है वो दंत, वह उष्ट्य बोला जाता है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, सूत्र के आधार पर उच्चारण करो चाहे प्रयत्न करो, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो श्वास उच्च कंपन के साथ लेती, यहाँ पर श्वास का मतलब है श्वास के आधार पर, यानी श्वास के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के भेद होते हैं, जैसे महाप्राण और अलप प्राण है। यानी महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अलप प्राण में कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, महाप्राण में कौन से, प्रत्येक वर्ग का यहाँ मतलब है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और प। याद कर लीजिए, क च ट तय प, यानी पांच वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों का यानी प्रत्येक वर्ग का सम संख्या, प्रत्येक वर्ग की सम संख्या। जैसे अपन लिखते हैं ना कि क क ख ग ग ड, तो यानी क के ऊपर एक नंबर लगा दीजिए, ख पे दो, ग पे तीन है, ग पे चार है, तो इनमें से सम संख्या यानी इन जो एक दो तीन चार लगाते हैं, इनमें से सम संख्या वाले जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्येक वर्ग का सम संख्या। और स और स दूसरा और तीसरा स और है, ये किसमें आते हैं, महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ये सारे वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण ध्वनि में। अलप प्राण में कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का यहाँ मतलब किससे है, कै वर्ग, च वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पय वर्ग, यानी पांच वर्ग होते हैं, उन पांचों वर्गों की विषम संख्या, यानी इनके ऊपर एक दो तीन चार जो संख्या लगाई जाती है उनमें से जो विषम संख्या वाले, जैसे एक तीन और पांच, यानी प्रत्येक वर्ग की विषम संख्या वाले वर्ण, और ये र ल और व, ये अलप प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ उच्च शब्द लिखा हुआ है, यानी श्वास उच्च, उच्च यानी उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर इन वर्गों को, इन स्वरों, इन सब वर्णों को, व्यंजन वर्णों को अपन किस आधार पर बांटते हैं, स्पर्शी व्यंजन, क ट त प, यानी ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन, यानी इनका उच्चारण करने पर हमें संघर्ष करना पड़ता है, स स स है, यानी ये संघर्ष करके बाहर निकलते हैं। स्पर्श संघर्षी का मतलब, यानी थोड़ा स्पर्श होता है और थोड़ा संघर्ष होता है, जैसे च छ ज और ज, नासिके में यानी जो नाक के द्वारा, मुंह और नाक के द्वारा जो ध्वनि बाहर निकलती है, यानी न ये अण मैं और अड़। पार्श्विक का मतलब होता है जीभ के दोनों दोनों साइड से निकलना, यानी हवा का जीभ के दोनों साइड से निकलना, ल, यानी पार्श्विक यानी जीभ के दोनों साइड से हवा का निकलना ल, यानी ये वर्ण आता है पार्श्विक के अंतर्गत। परकंपित या लुंठित जिसको बोलते हैं, जीभ का ऊपर उठना और ऊपर से ऊपर उठ के जिनके उच्चारण में वापस नीचे की तरफ गिरना, यानी ऊपर उठ के जीभ का नीचे गिरना, यानी किसके उच्चारण में होता है, रय के उच्चारण में होता है। उक्षिप्त और ताड़न जात, यानी उक्षिप्त व्यंजन और ताड़न जात व्यंजन वो व्यंजन होते हैं, ड और ढ, ये दो प्रकार, दो ही व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको उक्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन भी बोला जाता है। संघर्षहीन, यानी जिनका उच्चारण अपन करते हैं तो किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होता है, एक सीधी हवा पेट से निकलती है और सीधी की सीधी बाहर निकल जाती है, जैसे यह और वह, यानी कहीं टकराती नहीं है, यानी ये संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से, दो, यह और वह, उत्क्षिप्त और ताड़न जात, ड और ढ, प्रकंपित और लुंठित, रह, पार्श्विक में ल, नासिके में न, ये, ण, मै, ण, स्पर्श संघर्षी में च, छ, ज, झ, संघर्षी में स, स, स है, स्पर्शी में क, ट, त, प, ये उच्चारण के आधार पर हो गए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो सूत्र के आधार पर कंपन के साथ लेती, यानी कंपन के आधार पर दो प्रकार होते हैं, एक तो अघोष होता है, एक घोष होता है। अघो घोष वैसी शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आवाजशील, यानी नादशील होता है। तो जिनके उच्चारण में ज्यादा वायु निकलती है और जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है, इस प्रकार से इनका लिया जाता है। तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं, किसी वर्ग का, यानी मैंने पहले भी बताया कि वर्ग कौन से होते हैं, क वर्ग, क च ट त और प, पांच वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों का पहला दूसरा वर्ण। इसमें देखो पांचों वर्गों का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, यानी क और ख, जैसे पहला वर्ग क वर्ग है तो क वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा हो गया, क और ख हो गया, और उसके बाद शेष स, स, स और है, ये किस में आ जाते हैं, अघोष में आ जाते हैं। घोष में कौन से आते हैं, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी किसी वर्ग का, यानी जो वर्ग अपने पांच होते हैं, क होता है, च होता है, ट होता है, तय होता है और प होता है, पांचों वर्गों में से चौथा, पांचों वर्गों में से चौथा और पांचवा वर्ण, ये र, ल, व और सारे स्वर किस में आ जाते हैं, घोष में आ जाते हैं। इस प्रकार से एक ही सूत्र के द्वारा अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो अपना सूत्र एक बार दोबारा से देख लेते हैं। स्पर्श करो उष्मा देती है, अंत करो जुड़ जाती है, उच्चारण करो चाहे प्रयत्न करो श्वास उच्च कंपन के साथ लेती है। इसके बाद दोस्तों कुछ नोट के अंतर्गत कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, जी सब जानते हैं 11 स्वर होते हैं,
33 व्यंजन होते हैं, तो कुल संख्या कितनी होती है? 44 होती है। यानी स्वर कितने होते हैं? 11 होती है। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 44 हो गए। स्वर व व्यंजनों की संपूर्ण संख्या अगर कोई अपन से पूछे तो वो क्या होती है? कि स्वर कितने होते हैं? अपने पास 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? अक्षर, त्रय, गे और श्रय 4 होते हैं। अयोग वाई कौन से होते हैं? अंग और अ 2 होते हैं। उपक्षिप्त और तड़न जात कौन से होते हैं? ड और ढ होते हैं। टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। परीक्षा में अगर कहीं पे 52 लिखा हो तो अपन को 52 करना है, अगर 52 नहीं लिखा हो तो कितने होते हैं? 44 होते हैं। अब देखिए दोस्तों, द्वित्व व्यंजन को क्या होते हैं? जहां पर एक जैसे दो व्यंजन एक साथ आ जाएं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। यानी जहां पर एक जैसे दो व्यंजन एक साथ आ जाएं, जैसे सज्जन है तो सज्जन में जय और जय, यानी दोनों एक जैसे व्यंजन है वो एक साथ आ गए, जैसे उच्चारण है, जैसे उज्ज्वल है, यानी ये सारे व्यंजन क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के दो व्यंजन एक साथ आ जाए, जैसे अष्ट यानी स है वो भी अलग व्यंजन है, तो ट है वो भी अलग व्यंजन है, जैसे मिष्टान है, स्नान है, शयी है। इसी प्रकार से दोस्तों संगम और संहिता किसे कहते हैं? किसी शब्द के बीच तनिक विश्राम ले लिया जाए और उस विश्राम से उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाए तो वो क्या कहलाता है? संगम और संहिता कहलाता है। जैसे कि मिठाई का दो, रुक जाइए थोड़ा सा, ना कौन ले गया, तो अपन यहाँ पर क्या अर्थ निकालते हैं? कि मिठाई दो ना कौन ले गया, यानी मिठाई दे दो मुझे, यानी यहाँ से मिठाई ले कौन गया। या फिर अपन इसका दोनों को अगर जोड़ के बोलते हैं तो क्या होता है? मिठाई का दोना कौन ले गया। दोना किसको बोलते हैं? जो मिठाई जिसके अंदर मिठाई रखी जाती है, फिर उसको बोलते हैं, मिठाई रखने वाले पात्र को दोना बोला जाता है यहाँ पर। तो मिठाई का दोना कौन ले गया, या फिर अपन अगर इन दोनों दोना के बीच में अगर थोड़ा सा विश्राम ले तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाए, यानी मिठाई का दोना कौन ले गया, यानी मिठाई दोना कौन ले गया, यानी मिठाई मुझे दे दो, ले कौन गया आपसे, ऐसा भी हो सकता है, इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? संगम और संहिता कहते हैं। काकल्य वर्ण कौन से होते हैं? है और ए होते हैं काकल्य वर्ण। दोस्तों वीडियो देखने के लिए नमस्कार, थैंक यू।